हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज मंजन। आज हम बात करने वाले हैं आरकॉम के बारे में, क्योंकि आज लगभग 50% प्लस इसमें ग्रोथ हुई है। लेकिन कल जो न्यूज़ थी इंसॉल्वेंसी की, उसके वजह से कल गिरा था। लेकिन आज दूसरी न्यूज़ है, उसी के कारण जो है इस स्टॉक में रिकवरी आई है। और कल काफ़ी लोग FNO में शॉर्ट सेलिंग में बैठे थे, और आज रिकवरी भी ज़्यादा आई है और बाइंग भी ज़्यादा आई है। तो मीन्स डबल इसके अंदर बाइंग आ गई है, तो उसी के कारण जो है। और ये जो स्टॉक आप देख सकते हैं, ये न्यूज़ वाला स्टॉक है। अच्छी न्यूज़ आएगी तो ऊपर जाएगा, और बुरी न्यूज़ आएगी तो नीचे भी जा सकता है। तो इस स्टॉक में अगर आप ट्रेडिंग करते हैं आरकॉम में, तो हर एक न्यूज़ पर आपको नज़र रखनी पड़ेगी, इस स्टॉक पर नज़र रखनी पड़ेगी। और आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो इंट्राडे के लिहाज से ठीक है, न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग कर सकते हैं इजीली। और काफ़ी लोगों का मैसेज आया है आज इतना जो स्टॉक है ये क्यों बड़ा है, तो उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कल जो न्यूज़ आई थी सोनी इरेक्सन ने इंसॉल्वेंसी के लिए कहा है, लेकिन आज जो न्यूज़ आई है उसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ, ताकि आप भी क्लियर रहें इस स्टॉक के अंदर। तो आप देख सकते हैं ADAG स्टॉक्स राइज अप बाय अप टू 70% ऑन रिपोर्ट ऑफ आरकॉम इरेक्सन सेटलमेंट टॉक्स। तो कल जो न्यूज़ थी उसके बाद जो आरकॉम है, सबसे पहले तो ये आप देख सकते हैं, इन्होंने कहा है NCLAT में जाएंगे, मीन्स जो नेशनल कंपनी लॉ एपिथेट ट्रिब्यूनल है वहाँ पे जो है इनका जो डिसीजन है इंसॉल्वेंसी का, वहाँ पे ये अप्लाई करने वाले हैं। तो उसी के कारण जो है, जो एरिक्सन है उन्होंने कहा है सेटलमेंट का, और इनकी जो है बातचीत चल रही है। अगर सेटलमेंट हो जाता है तो आरकॉम और इन्वेस्टर्स जिन्होंने हाई रेट पर ले रखे हैं उनके लिए भी काफ़ी अच्छी ये पॉजिटिव न्यूज़ हो सकती है। लेकिन अभी भी क्लियर नहीं है, खाली एक ये न्यूज़ है कि एरिक्सन और आरकॉम दोनों बैठकर सेटलमेंट करने वाले हैं, और अगर सेटलमेंट होता है तो आरकॉम के लिए पॉजिटिव न्यूज़ हो सकती है। ये जो स्टॉक है फिर से 20 रुपये भी क्रॉस कर सकता है, लेकिन अभी तक कुछ क्लियर नहीं है। जो बातचीत अगर होती है उसमें पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है, उसी के ऊपर जो है ये स्टॉक असर करेगा। और NCLAT वहाँ पे जो है आरकॉम अप्लाई करने वाला है और अपील करेगा वहाँ पे इंसॉल्वेंसी ना हो उसके लिए। और जो सोनी इरेक्सन है उनको इन्होंने कहा है कि दिसंबर तक जो है इनको कोई इंटरेस्ट पे ये नहीं करेंगे, और जो भी उनका आउटस्टैंडिंग है वो पे नहीं करेंगे। उसी के कारण जो इरेक्सन है दबाव डाल रहा है, ताकि और सेटलमेंट के लिए भी कह रहा है। अगर सेटलमेंट के लिए क्यों कह रहा है, क्योंकि ताकि इनको पैसे जो इनके ड्यूज़ हैं वो जल्दी मिल जाए। तो यही एक न्यूज़ है, ये स्टॉक न्यूज़ बेस्ड है। और काफ़ी लोग कहते हैं कि कल जो बताया था आपने उसका उल्टा हुआ है, उल्टा मीन्स ये न्यूज़ बेस्ड है, आज अच्छी न्यूज़ आई है। तो आज काफ़ी अच्छा ये जो स्टॉक है चढ़ भी गया है, और सेटलमेंट की जो न्यूज़ है ये काफ़ी बड़ी न्यूज़ है एरिक्सन और आरकॉम की तरफ से। इसी के कारण जो है ये लगभग 50% प्लस बढ़ चुका है, और काफ़ी लोग इसके अंदर इंट्राडे ट्रेडिंग भी कर रहे हैं। FNO में कल सेलिंग जो थी तो वो आप देख सकते हैं, आज बाइंग में आ गई है, लोगों ने फिर से बाइंग पोजीशन बनाई है, वो रिकवर शॉर्ट कवरिंग भी हो गई, प्लस और एडिशनल बाइंग इसके अंदर आ गई। और इसके चलते काफ़ी जो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं मुझे लगता है उन्होंने भी अपनी बाइंग इसके अंदर बना दी होगी। लेकिन सबसे पहले अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हो तो इसमें इन्वेस्ट ना करें, अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हो तो ठीक है। तो इसके अंदर मैं आपको दिखा सकता हूँ, जो सबसे ज़्यादा आज बल्क डील्स हुई है आरकॉम के अंदर ही हुई है, और जो FIIs बड़े ब्रोकर्स हैं उन्होंने सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग की है, आप देख सकते हैं। और इसके अंदर एड्रॉइट फाइनेंशियल सर्विसेज, प्यूरिटी ट्रेड मैक्स LLP, शास्त्रा सिक्योरिटीज़, ये आप देख सकते हैं तीन बड़े ट्रेडर्स हैं, और
सबसे ज़्यादा जो ट्रेडिंग की है, करोड़ों में ट्रेडिंग हुई है। ऐसा नहीं कि इन्होंने 1 लाख शेयर, 2 लाख, 20 लाख शेयर ले लिए, करोड़ों में शेयर लिए, करोड़ों में ट्रेडिंग की है। इसी के कारण जो है सबसे ज़्यादा इसके अंदर आप देख सकते हैं उछाल आया है। तो एड्रॉइट फाइनेंशियल सर्विसेज ने आप देख सकते हैं कितने शेयर्स लिए बेचे, 2,45,00,000 शेयर्स लिए बेचे। उसके बाद फिर ट्रेडिंग की 1,55,00,000। उसके बाद प्योरिटी इन्होंने किया है 1,55,00,000 के करीब, और शास्त्र सिक्योरिटीज़ 4,15,00,000 के करीब। मीन्स ये जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जो इनके पास अमाउंट है, वो ऐसे माहौल में न्यूज़ बेस में पैसा कमा लेते हैं, क्योंकि उनका दिन भर काम यही है और छोटे इन्वेस्टर्स इस पर ध्यान नहीं लगा पाते हैं। इसी के कारण जो है वो हाई रेट पर ले लेते हैं और फिर बाद में जब नीचे आता है तब निकलने की सोचते हैं। तो ऐसा ना करें, जब नीचे आए उस और न्यूज़ अपने को फटाफट अगर मिल जाती है तो इसमें प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन अगर न्यूज़ गलत भी आती है और आपने ले लिया है तो नीचे भी जा सकता है। दोनों सिनेरियो हैं इसके अंदर। तो इस स्टॉक में मेरा यही मानना है, सोच समझ कर हर एक न्यूज़ को देखते हुए इसमें ट्रेडिंग करिए, ताकि काफ़ी लोगों ने भी, जब ये 9 रुपये से आकर 40 रुपये गए थे तो काफ़ी लोगों ने 20 रुपये में ले लिए, 35 रुपये में ले लिए, अभी तक उनके पास होल्डिंग है। और काफ़ी लोग बोलते हैं कि ये स्टॉक आप देख लीजिए आज कितना बड़ा है, लेकिन आप देख सकते हैं 30 रुपये से अगर ये गिरा है 10 रुपये तक, तो कितना परसेंट डाउन हुआ है, और 50% अगर बढ़ भी गया है तो भी वहाँ तक वो नहीं पहुँचा है अभी तक, जिन लोगों ने ऊपर के रेट पे लिए हैं। तो अगर अच्छी न्यूज़ रहती है और ऊपर आता है तो सबसे ज़्यादा खुशी जो स्मॉल इन्वेस्टर्स अटके हुए हैं 20-25 रुपये 30 रुपये में, वो निकल सकेंगे। तो यही उम्मीद है कि ये थोड़ा बढ़े और सभी को निकलने का मौका भी मिले। और अगर आपको भी लेना है तो फ़िलहाल आप अपना रिसर्च करिए, एडवाइज़र की सलाह लेकर ही इसमें लीजिए, ताकि आप भी हाई रेट पे ना ले। तो आज इसी के बारे में बताना था। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा इस वीडियो को। चलिए, थैंक यू।